दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया का सबसे बड़ा और हाथ से लिखे हुए संविधान के बारे में, और जो हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे हमारा संविधान, इसके बनने की पूरी कहानी, और हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का निर्माता क्यों कहा। तो दोस्तों हमारा नाम है अजय कुमार और आप देख रहे हैं हमारा और आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मार्कंडे ब्लॉग। दोस्तों आप सब लोग ने हमारी पिछली वीडियो को काफ़ी सपोर्ट किया था, जिसका कि आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग का काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों भारतीय संविधान और संविधान निर्माण की कहानी अपने आप में एक विलक्षण है, जहाँ कई देशों को कई बार अपना संविधान बदलना पड़ा, कई देशों को संविधान बनाने के लिए जन्म संग्रह कराना पड़ा, जिसको रेफरेंडम वगैरह बोलते हैं। और दोस्तों देखने वाली बात यह है कि जो हमारी ये कमेटी थी संविधान बनाने के लिए, उसमें काफ़ी लोग थे जिनके बीच में काफ़ी वैचारिक मतभेद भी थे, लेकिन इसके बाद भी फिर भी हमारे जो भारतीय संविधान है इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि पहली बात तो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिन लोगों ने भी बनाया था उनमें समाज का जो एक समाज के जो लोग थे उनके प्रति एक अटूट विश्वास था कि ये जो भी करेंगे सही करेंगे, हमारे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगे। प्रासंग जो भी संविधान निर्माण के समय किसी भी प्रावधान को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए वोटिंग का सहारा नहीं लिया गया दोस्तों, और बल्कि आपसी समझ से इस प्रकार की समस्याओं को सुलझाया गया। और आपसी सहमति बनाना कितना मुश्किल होता है ये आप सब लोग जानते हैं। दोस्तों संविधान निर्माण की कहानी को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये हमारे जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है, आखिर हमारा संविधान होता क्या है। तो दोस्तों जो हमारा संविधान है, हमारे जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है, या कोई भी किसी भी दुनिया कोई भी संविधान उसका उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों जो संविधान होता है किसी देश के लिए संविधान ही जरूरी क्यों होता है, आइए पहले संविधान के बेसिक को समझ लेते हैं, ताकि हमारे दिमाग में संविधान की जो अहमियत है और उसकी जो प्रासंगिकता है ना दोस्तों वो स्पष्ट हो सके। संविधान यानी कि एक श्रेष्ठ विधान है दोस्तों, यह एक ऐसा दस्तावेज है जो व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंधों को स्पष्ट करता है। समाज का जो समाज के पंक्ति का जो आखिरी व्यक्ति हो उसको भी उसका अधिकार मिल सके, कोई भी राज्य अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना करे और व्यक्ति अपनी जो आज़ादी है उसका गलत उपयोग ना करे। इन्हीं दोनों में संतुलन स्थापित करने के लिए जो दस्तावेज बनाए जाते हैं दोस्तों वही उसी को संविधान कहते हैं। तो उस समय भी जो हमारे जो देश के महान लोग थे उनको भी लगा कि अभी इंडिया आज़ादी के बाद जो हमें सबसे अगर ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो है संविधान, जिसके हमारे देश के हर नागरिक को एक समान अधिकार मिल सके। तो उसके लिए बनाने के लिए फिर एक समय जो संविधान कमेटी थी उसकी जो संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका होना जरूरी था। तो इसके लिए एक संविधान सभा का दोस्तों गठन किया गया, और संविधान सभा में कुल जो सदस्यों की संख्या थी ये गठन होने के बाद वो 389 आवंटित किया गया हर राज्य को, और जिसमें से 93 सीटें देसी रियासतों को मिला और 296 सीटें जो थी दोस्तों ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए थे। अभी ब्रिटिश हम दोस्तों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय हमारा जो देश था वो आज़ाद नहीं हुआ था। और ये जो सीटें जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की जानी थी, मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो हर जो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट की व्यवस्था उस समय की गई थी दोस्तों। और जो ये आवंटित 290 सीटों में से 208 सीट भारतीय जिसमें जब चुनाव हुआ दोस्तों तो इसमें जो सीटें थी 296 उसमें से 208 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली और 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली और 25 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिला। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ आगे चल के कि जो देसी रियासतें थी रजवाड़े थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय भी कुछ ऐसे रजवाड़े थे जो चल रहे थे अंग्रेज़ों के सहयोग से या जैसे भी कहें, तो 93 सीट उनको जो मिला था उन लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया और इसमें हिस्सा नहीं लिया, यानी कि प्रतिनिधि को अपने जो प्रतिनिधि थी इस संविधान सभा में उन लोगों ने नहीं भेजा। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारे जो संविधान का चुनाव था वो खत्म हुआ समय कमेटी का 1946 के जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ। कुल मिलाकर देसी रियासत ने तो बहिष्कार संविधान सभा का पहले से ही बहिष्कार कर रखा था, और अब मुस्लिम लीग को भी 73 सीटें मिलने के बावजूद भी उसने इसका बहिष्कार कर दिया। अभी स्पष्ट हो चुका था कि विभाजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है, और अब सबको पता है कि वही हुआ, इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, उसके बाद ये हमारा देश अलग अलग हो गया। और यही कारण था कि जब दोस्तों जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें मात्र 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। तो लेकिन फिर भी हमारा काम जो है वो रुका नहीं संविधान निर्माण का, और इसके बाद बावजूद भी संविधान ने सब जो हमारी संविधान सभा थी उसने उसी सदस्यों के साथ ही संविधान निर्माण का जो कार्य था उसको स्टार्ट किया। और दोस्तों इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। इस तरह से जो हमारा संविधान था, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके निर्माण की जो आधारशिला थी वो फाइनली रख दी गई।
अब संविधान निर्माण दोस्तों एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से हो, इसके लिए विभिन्न बड़ी और छोटी जो समितियां थी उनका गठन किया गया और सभी समितियों को उनके जो विशेषज्ञता और क्षमता के अनुसार, जैसे जिसको जो आता था, जो काम आता था, उसी हिसाब से उसको एक कार्य सौंपा गया। और इसके बाद हमारी जो इसके लिए अलग अलग समितियाँ बनाई गई, अलग अलग कमेटी बनाई गई कि ऐसी जो समितियाँ बनी उसमें जो मेन लोग थे जिन्होंने इसको हैंडल किया, उसमें जो दोस्तों जो संघ जो पहले नंबर पे आता है संघ समिति को हैंडल कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। और इसके बाद जो संघीय संविधान समिति थी उसको जवाहरलाल नेहरू जी हैंडल कर रहे थे। बाद में प्रांतीय संविधान समिति थी उसको सरदार पटेल जी ने हैंडल किया। और जो प्रारूप समिति थी उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हैंडल किया था। और जो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, सीमांत क्षेत्रों के सलाहकार समिति का जो समिति थी उसको सरदार पटेल जी ने हैंडल किया। और प्रक्रिया समिति, जो नियम समिति, उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस समिति को हैंडल किया था। और राज्यों के लिए जो समिति बनी उसको वापस से फिर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। संचालन समिति थी उसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। जो झंडा समिति थी दोस्तों जे बी कपलानी जी को दिया। और दोस्तों जो परामर्श समिति थी वो भी सरदार पटेल जी को ही दिया गया था। तो इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है ना दोस्तों, ये हमारे जो संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग कोई आता है तो वो है प्रारूप समिति का। जो सबसे मेन काम था वो प्रारूप समिति का था, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान के प्रारूप के अनुसार, यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी इसी की थी। सब कुछ ड्राफ्ट पर ही टिका था क्योंकि ड्राफ्ट तैयार होने के बाद ही इस पर बहस होता, इसमें संविधान संशोधन होता और अंतिम रूप से संविधान अस्तित्व में आता, जो कि ये जो डिपार्टमेंट था इसको जो हेड थे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। तो जो प्रारूप की समिति थी इसके लिए अलग से इसमें 7 सदस्य जोड़े गए थे, जिसके कि अध्यक्ष डॉक्टर बाबा राम भीमराव अम्बेडकर थे। इसके अलावा इसमें 6 सदस्य थे जो कि एन गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी भी थे जी से, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह भी जी थे, एम माधवन, इन्होंने बाद में बी एल मित्र की जगह ली थी, पहले तो इन्होंने हैंडल किया था, एम माधव राव जी, बाद में टीटी की कर्मचारी जी थे जो कि बाद में इन्होंने डीपी खेतान की भी जगह ली थी। दोस्तों इस तरह से जो हमारा जो संविधान था उसके बनने की कहानी स्टार्ट। हाँ, हमने एक चीज़ आपको बताई थी, हमारा जो संविधान था वो दोस्तों किसी मशीन या किसी चीज़ से लिखा नहीं गया था। हमारा संविधान था जो इसको श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने अपने हाथों से लिखा था, वो भी फाउंटेन पेन आता था। आप लोगों को याद रहेगा हम लोग बचपन में फाउंटेन पेन यूज़ किया करते थे, उसमें इंक वगैरह डालते थे, बाद में नीब वगैरह लगता था उसमें, उसके थ्रू से लिखते थे। तो ऐसा वो एक अपने आप में एक अमेजिंग था। 251 पेज का हमारा संविधान था जिसको उन्होंने पूरी तरह से अपने हाथ से लिखा था। और इसके बाद दोस्तों जिस इस संविधान के कंप्लीट होने के बाद इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। और इसके बाद जो है हमारा संविधान था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बन के कंप्लीट हुआ। काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी रिव्यू के बाद जो हमारा संविधान था आखिरकार वो शुभ दिन भी आया, और जिसको कि आज हम 26 जनवरी के रूप में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूरी तरह से हमारे देश में अमल में लाया गया, और जिसका फ़ायदा आज हम सब भारतवासियों को मिलता है। और हम गर्व करते हैं, गर्व महसूस भी करते हैं कि जो हमारा संविधान है ये आज दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और उसके तहत ही हमें और हमारे देश के हर नागरिक को अपनी मनपसंद सरकार चुनने का अधिकार है। हमें हमारी स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार मिला हुआ है, हमें हमारे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। तो दोस्तों हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमने दो टॉपिक पे डिस्कशन करने के हमने आपसे बोला था, हमारा संविधान बनने की पूरी कहानी जो कि कम्प्लीट हो चुका है। अभी इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है भाग है, इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें एक जो महत्वपूर्ण और बात हमने बताई थी कि जो प्रारूप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा राव भीमराव अम्बेडकर थे, क्योंकि इन्होंने विश्व के जो जितने भी 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके उसमें जो अच्छे नियम और कानून थे वो हमारे संविधान में सम्मिलित किया था, क्योंकि हमारा संविधान इन 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके ही बनाया गया था दोस्तों। के बाद दोस्तों आप सब भी जानते हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे वो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनकी जो राजनीतिक योग्यता थी और कानूनी दक्षता थी और भाषाई ज्ञान के कारण उन्हें जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इतना ही नहीं, संविधान में जो भी अगर कुछ
उठने वाले सवालों का जवाब देने और प्रावधानों के बीच संतुलन बनाने में भी बाबा साहब डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे उनकी काफ़ी अहम भूमिका रही है, जिसका कि दोस्तों हमारे संविधान में जो है असर देखने को आज भी मिलता है। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत करते हैं, और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल।